दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके एक से अधिक नाम हैं, लेकिन भारत को भारत के लोग और दुनिया के सभी लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त आदि। तो ऐसे में बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि भारत का कई नाम क्यों हैं और भारत का नाम इंग्लिश में इंडिया है तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इंडिया के फुल फॉर्म के साथ साथ इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है, भारत नाम कैसे पड़ा, इंडिया नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल फुल फॉर्म एंड फैक्ट्स पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फुल फॉर्म के साथ साथ उसके बारे में बेसिक डिटेल्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर वीडियो लाते रहता हूं। दुनिया के सभी मंच पर भारत का ऑफिशियल नाम इंडिया है। जैसे कि UN, WHO या किसी अन्य देश में भारत के बारे में बात होती है तो वहाँ इंडिया शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। भारत का नाम इंडिया यूरोपियन लोगों के भारत आने के बाद ही पड़ा। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है, के नाम पर ही अंग्रेज भारत को इंडस प्रोनाउंस करने लगे, जो आगे चलकर इंडोई और फिर इंडिया के रूप में फेमस हो गया। वहीं माना जाता है कि भारत का नाम भारत राजा भरत के नाम पर पड़ा, जिनके बारे में हम सभी ने अपने बचपन की किताबों में पढ़ा है। वहीं इंडिया का नाम हिंदुस्तान अरब से आए व्यापारियों ने दिया। जब वह 1000 साल से भी पहले भारत आए तब उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहना शुरू किया, क्योंकि यहाँ तब केवल हिंदू ही रहा करते थे और हिंदुस्तान का मतलब होता है वह स्थान जहाँ हिंदू निवास करते हैं। वहीं इंडिया का एक और फेमस नाम जिसे लोग कई बार यूज करते हैं आर्यावर्त भी है, और इसे आर्यावर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आर्य निवास करते थे। वहीं अगर इंडिया के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इंडिया अपने आप में ही एक शब्द है, कोई एक्रोनिम या एब्रीविएशन नहीं है या शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो इंडिया का कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग उत्सुकता बस और अपने देश के प्रति लगाव के कारण कई तरह के अच्छे फुल फॉर्म्स अपने इंडिया के लिए यूज करते हैं। उनमें से दो फुल फॉर्म्स लोगों के बीच बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, इंडिया का पहला और सबसे ज़्यादा फेमस रूप है। वहीं दूसरे सबसे अच्छे फेमस फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया को भी भारत के लोग गर्व के साथ अपने देश का फुल फॉर्म बताते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है और हमारे देश के लोग कितने इंटेलिजेंट है, आज टेक्नोलॉजी और रिसर्च में पूरी दुनिया में क्या योगदान दे रहे हैं, यह पूरी दुनिया आज जानती है। तो दोस्तों, यह तो मैंने अपनी तरफ से दो फुल फॉर्म्स बताया इंडिया का, जो बताते हुए मुझे प्राउड होता है। अगर आप भी इंडिया का कोई फुल फॉर्म सोच पा रहे हैं तो जरूर कमेंट कर बताएं। वैसे आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले तक भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में भी जाना जाता था, और अगर हमें हमारे देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो हम सबको इसके लिए योगदान देना होगा। अगर आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका इतना सारा नाम इतना फेमस है। इसके पीछे कारण यह रहा कि हजारों साल से भारत पूरी दुनिया में लोगों के बीच फेमस रहा, तो जिन लोगों ने भी जिस रूप में भी भारत को प्रोनाउंस करना या बोलना शुरू किया वह प्रचलन में रह गया। इसी कारण कहीं पे लोग इंडिया को हिंदुस्तान बोलते हैं, कहीं पे भारत बोलते हैं, कहीं इंडिया बोलते हैं, और कुछ लोग आर्यवर्त भी आज भी बोलते हैं, संस्कृत में आज भी लोग आर्यवर्त यूज करते हैं। तो शायद ही आपको दुनिया में कोई और कंट्री मिले जिसका एक से ज़्यादा नाम है, और चार पांच नाम तो किसी देश का है ही नहीं पूरी दुनिया में। तो यह हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है कि हमारे देश में सब प्रकार की विविधता के साथ साथ हमारे देश के नाम में भी कई तरह की विविधता है, फिर भी हम सब एक हैं। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक हैं, इंडिया एक है। अगर आप इंडिया के फुल फॉर्म के साथ साथ इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, जैसे कि भारत ने दुनिया को क्या दिया, भारत के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें और कुछ दुखद बातें भी जो भारत के साथ जुड़ी हुई हैं के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहें तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।